आज देखते हैं मिलिंग कटर कैसे बनता है। मिलिंग कटर देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले माप पढ़ते हैं, इसमें 12 12 यहाँ से लगो, 12 बार दो यहाँ से 12 की, और एक के सेंटर मार के यहाँ से राउंड मार दो इस तरह से। सेंटर मारने में क्या करना है, इसमें से 4 कम कर दो यानी 8 की वैल्यू। अब 8 की भर रहे हैं और उसी सेंटर से राउंड लगाओ जिसे पहले माना था, जिसे हमने उसी से मार दिया इस तरह से। क्या करना है अब, ये करना है अब इसमें 4 भरना है। अब 4 भरेंगे इस तरह से, किसी एक पॉइंट से, यहाँ से किसी भी एक पॉइंट से राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, कहीं से भी राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक राउंड देखो इस तरह से, इस तरह से। फिर क्या करना है, फिर यहाँ से इस तरह से, इस तरह से जितने बन जाएंगे उतने राउंड लगा देंगे इस तरह से। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें 2 भरना है। अब देखते हैं यहाँ से 2 2 की चाप लगाते हैं, 2 2 के राउंड। अब यहाँ से 1 2 का चाप। अब क्या करना है, जितनी ये चाप लगाई थी वहाँ पे 2 2 की 2 बार चाप, ओनली 2। अब यहाँ से 1 2 इस तरह से ये, फिर यहाँ से ये इस तरह से ये करिए। अब क्या करना है, अब इसमें ये यहाँ मिला देंगे इस तरह से, ये। अब क्या करना, देखते हैं इस कोने से पहले वाले कोने को लाएंगे, फिर दूसरे वाले कोने को इससे, फिर तीसरे वाले को यहाँ तक इस तरह से। इस तरह से सभी दांतों में मिलाएंगे, यहाँ से ये, फिर ये, फिर तीसरे वाले को, और ये मिला देंगे इससे, फिर इसको ऊपर तक। इतना सब में करने के बाद क्या करेंगे, जैसे बेस गैप टूटा था, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ऐसी डिजाइन बनेगी जो 20 का उठाएंगे इससे। मास्टर जैसे हमने 20 का उठाया, 20 का जितने का सेट हो जाएगा उतने को उठा लेंगे। जैसे हमने ये उठाया, ये सेट हो गया इस तरह से, यहाँ घुमा देंगे इस तरह से, यहाँ पर ये वाला, जितने भी ऐसे मिलेंगे सब में घुमा देंगे इस तरह से। अब देखते, पहले हमने यहाँ पॉइंट माना था पहले इस तरह से, वो सेंटर कहाँ था, ये था, इस तरह सेंटर था यहाँ पर। ये लंबाई इतनी तो मानेंगे नहीं, तो मान लेंगे जितना लंबा हो इस तरह कर देंगे, जेड टाइप का बना देंगे, ये इस तरह से जेड टाइप का, यानी भी ये इतना इतना कर देंगे और बाकी ये लाइन हटा देंगे। यहाँ से एंगल्स एंगल्स हो जाएगा, ये हो गए दांते, ये मिलिंग कटर बन गया। देखो इसमें पहले शो करने पड़ते हैं कुछ, कैसे शो करेंगे देखते हैं। देखो ये इसकी है बॉडी, और ये इसका है दांता, और ये इसका है फेस, और ये बोलते हैं इसके लैंड, एल एंड लैंड। और जिसमें देखते हैं, ये इसका होता है लिप एंगल, ये मोस्टली पूछा जाता है लिप एंगल को शो करो, तो लिप एंगल। और फिर होता है रिलीफ एंगल, रिलीफ एंगल कैसे करते हैं देखते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस लाइन को आगे बढ़ाने के बाद इसको ऐसे बढ़ा लो, तो ये हो गया रिलीफ एंगल।
फिर होता है और देख लेना से काफी है, इसे बनता मिली कटरे से। और एक मोस्टली पॉइंट है वो है रेक एंगल। तो यहाँ के बाद जो ये एंगल है ये बोलते हैं रेक एंगल, ये काफी पूछ लेता है। और कितना